और चलिए अब रुख करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक दशक बाद भारत एक बार फिर से एंट्री करने जा रहा है। बता दें कि परिषद की अस्थाई सीट के लिए 17 जून को होंगे और साथ ही भारत के निर्विवाद निर्वाचन से पहुंचने की पूरी उम्मीद है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद सदस्य के तौर पर मौजूद होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री, यूएन प्रणाली में बढ़ेगा दबदबा, अस्थाई सीटों के लिए चुनाव, भारत के निर्विवाद जीतने की उम्मीद। देश की आजादी से लेकर अब तक 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट पाने वाला भारत एक बार फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंट्री करने जा रहा है। भारत के लिए सुरक्षा परिषद की सदस्यता ऐसे समय आ रही है जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह भी मना रहा होगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए चुनाव 17 जून को कराए जाएंगे। विश्व निकाय के अंतरिम कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई है। एशिया प्रांत क्षेत्र में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है और उसकी जीत तय है, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत एकमात्र दावेदार है। भारत की उम्मीदवारी को चीन और पाकिस्तान समेत 55 देशों के एशिया प्रशांत समूह ने पिछले साल जून में सर्वसहमति से समर्थन दिया था। महासभा ने पिछले हफ्ते कोरोना महामारी के कारण प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नई मतदान व्यवस्था के तहत सुरक्षा परिषद चुनाव कराने का निर्णय लिया था। वहीं ये चुनाव किस तरह कराए जाते हैं ये भी जानिए। महासभा के हॉल में होते हैं चुनाव, गुप्त बैलेट के जरिए कराई जाती है वोटिंग। सभी 193 सदस्य देते हैं अपना मत। नई व्यवस्था के तहत होंगे कुछ बदलाव। महासभा अध्यक्ष सभी सदस्य देशों को लिखेंगे पत्र, मतदान से कम 10 दिन पहले पत्र लिखेंगे। पत्र में सदस्यों को चुनाव की तारीख मिलेगी, रिक्त सीटों की संख्या, मतदान स्थल की भी जानकारी। सोशल डिस्टेंसिंग प्रावधानों के चलते इस बार सुरक्षा परिषद सदस्यों का ये चुनाव 3 दिन चलेगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव होंगे। माना जा रहा है कि 193 सदस्य देशों वाले यूएन में भारत 180 से अधिक वोट बड़ी आसानी से हासिल कर सकता है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश की यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो उस देश की शक्ति पहले से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में 10 साल बाद भारत की सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए पहुंचना खासा अहम होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा परिषद के ताजा कार्यकाल में भारत अस्थायी सदस्यों के E10 समूह का भी सबसे बड़ा मुल्क होगा। ऐसे में जानकारों के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के लिए भी भारत को साधना अहम होगा। वहीं चीन के लिए भारत के खिलाफ किसी मीटिंग को आयोजन करना या प्रस्ताव लाना भी मुश्किल होगा। भारत इससे पहले 1950 से लेकर अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य रह चुका है। पिछली बार 2011-12 में भारत इस मेज पर सदस्य के तौर पर मौजूद था। ऐसे में देखना होगा कि मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के साथ भारत सीरिया, इसराइल, फिलिस्तीन और ईरान जैसे मुद्दों पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।